फ्रेंड्स, तो अब ये भी जो मेरे हाथ में है ये ड्रम स्टिक है, जिसको आप जानते हो, जो सांभर में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हम सहजन की फली भी बोलते हैं और इंग्लिश में ड्रम स्टिक बोलते हैं। इसका बॉटनिकल नेम भी है और अब कुछ मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो इसको मैंने कट करके, नॉर्मली कट करके जैसे कट करते हैं, और एक सीटी दे के बॉयल कर, नॉर्मली ये पानी में डाल के भी आप थोड़ी देर कुक करेंगे, पतीले में पानी डाल के बोल में, तो भी ये कुक हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको। बट मैंने सीटी दे दिया तो थोड़ा क्विक हो, जल्दी से हो गया। तो अब क्या करना है, आप देखो ये जो फली है ये पूरी मतलब बॉईल हो चुकी है, इसको एक साइड से आप जब करेंगे ना तो ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें से मैं देखो क्या करूँगी, बच्चों को खिलाने का तरीका है, क्योंकि बच्चे ऐसे नहीं खाते ना, तो ये बहुत न्यूट्रिशियस होती है, ऐसा कोई न्यूट्रिएंट नहीं है जो इसमें ना हो। ये देखो इसका जो पल्प है, इससे स्कूप से, आप स्पून की हेल्प से भी ना, स्पून ले सकते हैं, मैंने इसके ऊपर यूज़ किया हुआ है, तो आप उससे इसका पल्प ऐसे निकालो। और यहाँ ये बोल में ना ऐसे करके इस तरीके से, ये देखिए एक और करके दिखाते हैं, ऐसे हो गया, और इसको स्कूप कर दो यहाँ से, ऐसे आराम से स्कूप हो गया, पूरा पल्प निकल गया। ठीक, और ये इस तरीके से, अब ये जो पल्प हम पूरा इसमें से निकालेंगे, जो पल्प है हमारा, ठीक है, इसको आप एज ए स्टॉक भी यूज़ कर सकते हैं, सब्जी में, दाल में, आटे में गूंद लीजिए, जैसे मर्जी आप, पूरा ये पल्प है। अब देखिए ये जो है ये पूरा पल्प है, राइट, आप इसे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत हेल्दी होता है, बच्चों को खिलाने का तरीका। नॉर्मली फली जब आप ऐसे डालेंगे सांभर में तो बच्चे निकाल देते हैं बाहर, इवन बड़े भी निकाल देते हैं, टेस्ट डेवलप नहीं होता जिनका। तो इस तरीके से आप खिलाओगे तो आप किसी को भी खिला सकते हो, जो खाता होगा वो भी खा लेगा, जो नहीं खाता है वो भी खा लेगा। तो ये था आज का टिप, हेल्दी टिप, बहुत हेल्दी टिप है ये।